नौरीन मेरी पहली मोहब्बत थी। तो क्या उसके बाद और भी वारदातें होती रही? वारदातों से क्या मुराद है? अशमत साहब ऐसे लगते हैं तुम्हें? अरे आप भी बोंगे हैं। कल भी वारदातों के बारे में पूछ रहा हूँ। ओहो, वो तो फिर जारी और सारी रही। तुम जैसे लोगों की वैसे सोशल मीडिया खराब हो रहा है। और तुम जैसे खराब लोग जो सोशल मीडिया देखते हैं। मैं देखता ही नहीं। अच्छा तो फिर साहब को अभी इल्हाम हुआ है कि सोशल मीडिया खराब है? साहब के कान हैं, साहब सुन सकते हैं और साहब ने सुना है कि सोशल मीडिया खराब हो रहा है। और सुनी सुनाई बातें दूसरों तक पहुंचाने वाले ना झूठे होते हैं, और झूठे लोगों पर खुदा की तरफ से लानत। तमीज, मेरी बात सुनो। चांदनी ब्यूटी पार्लर 50% ऑफ। अरे वाह, जिब्रान, जिब्रान! अरे क्या हो गया बेगम साहिबा, क्या हो गया? क्यों इतनी भड़कीली आवाज में पुकार रही हैं? हम तो आ ही रहे थे। एक तो मैं आजिज आ गई हूँ तुम्हारी इस उर्दू से, सही इतना बात क्या करो। एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा। वो क्या गया तुझे, दवाई हिला के नहीं पीती क्या? हाँ लगता है आज कुछ ज्यादा हिला ली और उसने अपना असर दिखा दिया। ये जो तू उमराव जान के मुजरे देखता रहता ना, बंद कर दे, इसी ढंग की महफिल में ले जाने के काबिल नहीं रहेगा। एक तो आपको हमारी कोई अदा पसंद नहीं आती है। देख तू सिर्फ अपना फर्ज अदा करने पे तवज्जो दिया कर बस। अरे भाई और कितना फर्ज अदा करें, आपकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आए हम। झूठ ना, कसम से हर वक्त जश्न आजादी का झंडा बना रहता है, लहराता बल खाता। और ये झंडा सिर्फ आपके सोग में ही सरनगू होगा। हाँ अरे कैसी बातें कर रहे, अल्लाह ना करे मेरी अभी उम्र ही क्या है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस पार्क में मौजूद हूँ, अभी अभी मैंने आपको इस पार्क की रिव्यू दी है। आई होप कि आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया है। मोहतरमा देख के तो चल लिया कीजिए। कि तुम क्या कह रहे हो कि मैं अंधी हूँ? मैंने ये कब कहा? ये तो कहा है कि देख के चला करो। गलत, बिल्कुल गलत। क्या गलत, क्या गलत? मैंने कहा मोहतरमा देख के चल लिया कीजिए। अब तुम मेरी जबान पकड़ोगे? तो क्या पैर पकड़ूं आपके? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने पाँव पकड़वाएं। तो मैं भी कोई ऐसा वैसा गया गुजरा लड़का नहीं हूँ। एक तो मेरे ऊपर गिरी हो, इतने जोर की लगी है मुझे। लगता है तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो। अब आप अपनी हद से गुजर रहे हैं। और बाय द वे इसको लात मारना नहीं टकराना कहते, और ये कौन सा तरीका है बैठने का? ये खालिस अवामी तरीका है। दामन फैलाए और बाजू फैलाए तो सुना है, लेकिन टांगे फैलाए पहली बार देख रही हूँ। देखा देखा है ना, यही कह रहा था कि मोहतरमा देख के चल लिया कीजिए। सिर्फ लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, सिर्फ लड़की होने। वरना क्या करते हैं? वरना क्या करते? अभी एक मिनट रुको, तुम तो देखो। क्या क्या कर रही हो? एक तन्हा लड़की कितनी गैर महफूज होती है, और फिर इस तरह के लोग, और इसकी शक्ल तो आप गौर से देखे, गौर से देखे आप लोग। पता नहीं कितनी लड़कियों से ये बदतमीजी से बात करता होगा। और मेरी अगली वीडियो के लिए ना आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तुम पागल तो नहीं हो? ये कौन सा तरीका है किसी को बदनाम करने का? अरे वही पुराना। वैसे शुक्रिया, तुम्हारी इस वीडियो की वजह से ना हजार लोग अभी देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अच्छा कॉन्टेंट था। पर जुमलेबाजी की आदत नहीं जाती है? सारी बाजियों में सिर्फ जुमलेबाजी की आदत रह गई है। तुम ड्रामे क्यों नहीं लिखता? कैसे लिखूं, मुझे जानता कौन है? मेरा एक क्लाइंट है, वो ड्रामे बनाता है। देखिए लिख बाद में लूंगा मैं, पहले चांस तो दिलवा दीजिए। ठीक है मैं बात करूं। वैसे एक बात बताइए, कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा मिलता चलूं। देखकर रहिएगा आजकल बहुत लोग गुजर रहे हैं। दिलरुबा कब आएगी? क्या देख रहा है भाई? देख रहा हूँ कि बेगम साहबा कहाँ तक पहुंची। क्या वाहियात हरकत है यार, शुरू किसने की थी? अच्छा बस वो आए तो उनको बता देना कि मैं आया। ठीक है, और कोई पैगाम? नहीं बस काफी है। वकील साहब आए थे। अच्छा क्या कह रहे थे? दिलरुबा कह रहे थे। किसको? तुमको? हाय अल्लाह, मुझे क्यों कहेंगे? अरे भाई आप वो कह रहे थे, पूछ रहे थे कि बेगम दिलरुबा कहाँ है। अच्छा उन्होंने ऐसा पूछा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने ना इन दोनों उंगलियों के बीच में देखा। किसको देखा? आपको। दो उंगलियों के बीच में से क्यों देखा? कि आप यहाँ पर जो नहीं थी ना। तो क्या मैं नजर आई? नहीं। तो फिर क्यों देखा? हाय अल्लाह, काश हमारी अम्मा हमें लॉन के झूले के बजाय एडी के झूले में फेंक कर चली आती, कम से कम इतने सवालों के जवाब तो नहीं देने पड़ते। अच्छा चलो जज्बाती ना हो। हाय हमारे अब्बा ने हमारे लिए इतना कुछ छोड़ा, लेकिन भरोसा नहीं किया।
पावर ऑफ अटॉर्नी वकील मनहूस को दे दी। शर्त भी ऐसी कि वकील के बगैर पूरी ना हो। आप कहें तो बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगवा दूं। यहाँ जान पे पड़ी और तुझे म्यूजिक सूझ रहा है मनहूस। अच्छा बता वो क्या हुआ किराएदारों का, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है हर वक्त। हाय अल्लाह मुफ्त की। लाख दफा समझाए कि ज़नाना अंदाज में हाय अल्लाह मत किया कर। मुफ्त की रोटियों का इल्जाम लगा दिया, इतनी मेहनत तो करता हूँ मैं। क्या खाक काम करता है, एक महीना पूरा हो गया तू एक किराएदार नहीं ला सका, बोल। अरे भाई कोई एक होता तो मसला ना होता ना, यहाँ तो तीन कमरे हैं और तीन अलग अलग लोगों को देने। हाँ तो क्या एक को दे दूं ताकि बाद में वो जान को अटक जाए। अच्छा मैं गया था स्टेट एजेंट के पास। हाँ तो क्या कहा उसने, क्या कहा बोल ना। कह रहा था कि इस घर में चुड़ैल रहती है। उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया, तूने क्या कहा? मैंने कहा कि खबरदार जो मेरी बेगम साहबा को चुड़ैल कहा तो दफा हो जाए यहाँ से वरना जूता उठा के मारूंगी। दिलरुबा कॉटेज यही? नहीं, तख्ती पर यही लिखा है। जब तख्ती पर लिखा हुआ है तो दरियाफ्त करने की क्या जरूरत? कंफर्म कर लेना अच्छी बात है। कंफर्म? वैसे कंफर्म करने और खोज लगाने में फर्क होता है। अब क्या सारी बातें यही कर लोगे? मेरा कमरा कहाँ है बोलिए। वही आपका कमरा कहाँ से हो गया? वक्ती किराएदार। चलिए चलिए। अरे कौन बेशरम आ गया इस टाइम पे? जी फरमाइए। दिलरुबा कॉटेज यही है? जी वो घर पे बाहर लगी थी तख्ती, सी बात का सबूत। जी वो तो है, मेरी दिलरुबा साहिबा से मुलाकात हो सकती है? क्यों अभी तक हुई नहीं क्या? खैर कैसे आना हुआ आपको? वो मेरे इल्म में आया कि ये मकान किराए के लिए खाली है। मकान नहीं सिर्फ कमरा। उसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। मैं भी जिब्रान को बुलाती हूँ आपको कमरा दिखा दे। हाय अल्लाह क्या टाइम पर एंट्री दी है मैंने। किसने? तेरी खुशी बता रही है तेरे दिल का फसाना। जाओ जाके इनको ऊपर वाला कमरा दिखा दो। आहा मशरकी अंदाज इनको। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। जिब्रान हर वक्त की बेगैरती अच्छी नहीं होती, जाके इनको कमरा तो दिखा दो। Excuse me. जी, कुछ कहा आपने? जी मुझे वो कमरा देखने के लिए जाना था। हाँ देख ली। रास्ता जाए? पर रास्ता थोड़ा सा आइए। हेलो व्यूअर्स और मैं हूँ शबाना और जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैं यहाँ मौजूद हूँ दिलरुबा कॉटेज पे जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। मज़ीद मालूमात के लिए मेरी अगली वीडियो का वेट करें एंड स्टे इन टच गाइस। आपका नाम? शबाना। शबाना दिन में क्यों आ गई? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मेरा नाम शबाना है, मेरी आपसे बात हुई थी कॉल पे किराए के लिए। लेकिन फोन पर तो आपने कोई और नाम बताया। अच्छा अब सारी बातें यहाँ पे करनी है या आप मुझे कमरा भी दिखाएंगे? देखिए आप जो जो कहेंगी हम वो करेंगे। तो तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हो? एक मिनट, पीछा करने वाला बाद में आता है। उस दिन भी सॉरी किए बगैर चली गई थी आप। तुम एक सॉरी के लिए जिंदा हो क्या? क्या बात है, मैं आपसे उस दिन भी यही कह रहा था कि मैं सिर्फ आपके लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ बस। अच्छा धमकी, ठीक है फिर मैं राशिद खान हूँ, क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? क्या तुम किस तरह की बातें करती हो, जब देखो लड़ती रहती हो यार।
लगता है एक और वीडियो ना वायरल करनी पड़ेगी। तुम जैसे लोगों की वैसे सोशल मीडिया खराब हो रहा है। और तुम जैसे खराब लोग जो सोशल मीडिया देखते हैं। मैं देखता ही नहीं। अच्छा तो फिर साहब को अभी इल्हाम हुआ है कि सोशल मीडिया खराब है। साहब के कान हैं, साहब सुन सकते हैं और साहब ने सुना है कि सोशल मीडिया खराब हो रहा है। और सुनी सुनाई बातें दूसरों तक पहुँचाने वाले ना झूठे होते हैं और झूठे लोगों पर खुदा की तरफ से लानत। तमीज, मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारे लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, सिर्फ लड़की होने का। एक बात रह गई। अब भी कुछ बाकी है? जी बहुत जरूरी बात है। सब कुछ तो बता दिया बेगम साहब ने। बस एक बात बाकी रह गई, अब वो भी बता ही दो। देखिए बात दरअसल ये है कि ये घर जो है इंतहाई जदीद खतूत पर तैयार हुआ है। हर कमरा खुद मुख्तार है, इसलिए जितना पानी और बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका हिसाब अलग देना होगा। क्या मतलब? अरे भाई मतलब ये है कि आप लोग अपने किए के खुद जिम्मेदार होंगे। बिजली और पानी का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके अखराजात में इजाफा होगा। शुक्रिया। टुडू। ये क्या था? ऐलान खत्म। अरे अस्पताल है। नहीं 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 है, कर लेंगे। चल चल चले ना। चल। हाय हाय, कितनी बार कहा इस तरह लहरा लहरा के ना आया कर। मौजे सबब पे कंट्रोल कहाँ रहता है? रोज रोज ये जनानगी बढ़ती ही जा रही है तुम्हारी। चले कुछ तो जा रही है, वरना तनख्वाह कहाँ आ रही है। अच्छा एक बात बताएं आपको। बोलो। छोड़ो पहले देखो बाहर कौन है। वकील साहब होंगे। तुम्हें कैसे पता? दिल को दिल से राह होती है ना। जिस राह पे तुम चल रहे हो ना, वहां से राह फरार का बंदोबस्त भी कर लेना। कहा था ना कि मैं आऊंगी, एक घंटा बैठूंगी और फिर चली जाऊंगी। भाई क्या करे, नॉर्मल बात भी ना मुझसे शायरी में होती है। अदबी उफक में जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। पसंद करने का शुक्रिया, ताजा कलाम आपकी नजर। बाग में काटने गया वो घास, हाथ में छुप गई उसके पास। पेड़ से कैरी तोड़े कैसे, हाथ में खाने उसके पास। डॉक्टर के जब पास वो पहुंचा वहाँ, डॉक्टर बोला जोर से खास। घर पर आकर मिर्च उतारी, जरा न निकली उसकी धास। मुझे आपका इंतजार रहेगा और आपको मेरा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंचे। जी आप कहीं जा रही हैं? जी हाँ, यहाँ बाजार तक जा रही थी। वैसे आपकी तैयारी देख के लग रहा है कि आप भी कहीं जा रहे हैं। दरअसल मेरा बचपन से ये शौक है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो तैयार होकर निकलता हूँ, और तैयारी में ज्यादा टाइम नहीं लगता, फौरन तैयार हो जाता हूँ। किसके लिए? आपकी हिस्स बड़ी अच्छी है। अब आप भी बेहतर कर लीजिए। हाँ जी जरूर। एक्चुअली मुझे मार्केट जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है, तो मुझे यहाँ की मार्केट्स का पता नहीं, कुछ मदद अगर मेरी हो जाए तो। नहीं नहीं मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन रहनुमाई जरूर कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, क्या जौक पाया आपने, तो रहनुमाई फरमाए भी। फॉलो मी। तो आप ये दरवाजा क्यों पीट रही थी? ताकि मैं तुम्हें पीटूं। देखिए मदन, अब आप हद से बढ़ रही हैं। मैं आपके सिर्फ लड़की होने का ख्याल करता हूँ। ख्याल करने के लिए नहीं, रखने के लिए होता है। और ये कौन सा पागलपन है, इस वक्त कौन हथौड़ा मारता है दीवार पे? तो वक्त आप बता दें। जब मैं घर पे ना हूँ। मैं इस वक्त लाइव वीडियो कर रही हूँ और इस शोर की वजह से ना मेरी वीडियो खराब हो रही है। तो उसमें अच्छा होता क्या है बिना वजह की शायरी के अलावा? ओए मिस्टर, मेरी शायरी को कुछ मत कहना, लाखों लोग सुनते हैं और लाखों पसंद भी करते। बस 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 इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे मुल्क में तालीम का क्या रुझान। बिना वजह की तुकबंदी शायरी का नाम दे दिया। तो तुमने कौन सा कारनामा कर लिया है? हाँ बस दूसरों की कामयाबी से चलते रहो तुम। और कान खोलकर एक बात सुन लो, अब अगर आवाज आई ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं और नौरीन एक साथ पढ़ते थे। तो कोई वजीफा पढ़ते थे मोहब्बत के लिए? क्या बकवास कर रहे हो, नौरीन के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग थी। अलग मिजाज की थी, तभी अलग हो गई लगता। बहुत हो गई यहाँ, कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अल्लाह की कसम हाशमा साहब, हमने कुछ नहीं किया है, इन्होंने किया। वो तो जिम जाता है, मैं उसका क्या करूँ। हाशमा साहब बैठ। कोई हाथ पकड़ के बैठा दे तो बैठ। हाँ बैठ जाता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई?
एक इंसान इतना सीरियस होके अपनी जिंदगी के चवले जिंदगी के बारे में बता रहा है और तुम बार बार इंटरप्ट कर रहे हो। चुप रहो तुम। आप बताएं ना नौरीन के बारे में बताएं। इनफैक्ट मैं आपकी वीडियो बनाकर फेसबुक पे लगा लेती हूँ। क्या वाकई? हाँ हाँ, और फिर क्या पता आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए। आर यू सीरियस? नौरीन मेरी पहली मोहब्बत थी। तो क्या उसके बाद और भी वारदातें होती रही? वारदातों से क्या मुराद है अश्मत साहब? ऐसे लगते हैं तुम्हें? अरे आप भी बोंगे हैं। कल भी वारदातों के बारे में पूछ रहा हूँ। ओहो, वो तो फिर जारी और सारी रही। अरे मोहब्बत तो बहते दरिया का नाम है और दरिया जाकर सिर्फ समंदर में गिरते जिसमें डूब जाने को दिल करता है। अच्छा ये बताओ, ये शकूर जो है ये असल में करता क्या है? बच्चों को पढ़ाता है और थिएटर में एक्टिंग करता है। लेकिन तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। वो कैसे? गौर से सुनो, एक तरीका है मैं बताती हूँ। अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे कि सावन आया। अम्मा मैं ये क्या कर रहे? देख नहीं रही, सजा रहा हूँ। ये कौन सा 14 अगस्त का महीना है जो तू जश्न आजादी की लाइटें लगा रहा है? अरे अगर रिश्ता तय हो गया तो आजादी ही होगी ना। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, जब जिंदगी आपकी है, घर आपका है, तो रिश्ता वकील साहब क्यों तय करेंगे? बस यही बात तो मुझे भी अब्बा हजूर की समझ में नहीं आई। सारी जिंदगी बच्चों के लिए इतना कुछ किया लेकिन कभी भरोसा नहीं किया। आ गए। जा जाके देख, अजीज है या मेहमान? आपके लिए तो दोनों ही अजीज हैं। जाओ फजूल बातें ना करो। अरे माशाल्लाह, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। सिर्फ आज? मेरा मतलब था आज भी बहुत प्यारी लग रही। वैसे कभी कोई बात बगैर मतलब के भी की जा सकती है। आ कौन रहा है आज? खाला ने एक लड़के का बताया था, देखिए कैसा निकलता है। है लड़का है कि खरबूजा, ख्याल लाए कहीं मीठा ना निकला है। पिछले दिनों में मैंने एक मोहब्बत की कहानी सुनी और मुझसे रहा नहीं गया। फिर आज कुछ इसी सिलसिले पे कहना है कि जिंदगी प्यार है या झरनों का उतार है? नहीं, ये उतार नहीं, बुखार है। और बुखार भी कैसा अनार है, यही एक अनार है जिसके पीछे 100 बीमार है। तुझे किसका इंतजार है, क्या तुझे भी इससे प्यार है? मिटा दे अपनी हस्ती, दबोड है अपने कश्ती, समंदर में पानी है, मौजों की रवानी है, और यही जिंदगानी है। जिंदगी बहार है, क्या अब भी उससे प्यार है? अल्लाह हाफिज एवरीवन। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर जी कहाँ की तैयारी है, क्या किसी नई मोहब्बत ने अंगड़ाई ली है? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं शिबाना गिरी लेकर। अरे देखो तुमने इतना अच्छा कल पढ़ा, ये तुम्हारे लिए मुझे लाना पड़ा। तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हें भी कोई इस तरह से फूल दे? ऐसे फूलों से तो फूलों की चादर अच्छी। अरे क्या हो गया, शबाना का शुमार दौरे हाजिर के मुख्तलिफ यानी अलग थलग शायरों में से होता है। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, इतनी अलग है कि इन्हें कोई बुलाता ही नहीं। अलग और बिल्कुल थलग। मुझसे खौफजदा है इसलिए नहीं बुलाते। अरे भाई तुम्हारे लफ्जों में वो तासीर है जो रूप फैज और गालिब के लफ्जों में कहा। आपकी इस बात से भी मैं बिल्कुल तायीद करूंगा, अगर ये रूप फैज और गालिब ने देख लिया होता तो वो होते ही ना, तबही मौत के बजाय उनकी इल्मी और अमली मौत वाक़े हो चुकी होती। आप सब लोग यहाँ हैं, वैसे कल आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा, आज की चाय मेरी तरफ से। एक बात तो बताओ, रूस के बारे में क्या जानती हो? मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। या खुदा, मैं शायरी के मीटर की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर शायरी में मीटर होता तो कितना बिल आता? पता नहीं कितना बिल आता, इनका कोई बिल नहीं आता। क्यों नहीं आता? कुंडे पे चल रही है ना, नाजायज कनेक्शन। ज्यादा जलने से ना जिंदगी में दिन कम हो जाते, जलना बंद कर दो और पहले कुछ करके तो दिखाओ। जैसा कि क्या करते हो, बच्ची को नाराज कर दिया तुम लोगों ने। तुम आखिर मेरी मोहब्बत का कब यकीन करोगी शमा? अच्छा बस फ्री मत हो, 2-3 दिन में पैसे वापस लौटा लूंगी।
अच्छा ठीक है, ये लो। एक बात कहूं, खबरदार जो कोई घिसी पिटी लाइन बोल दिया। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। आजा, आ आ। अरे वाह, आपकी दाना डालने की आदत गई नहीं। आप और इस वक्त छत पर? जी, मैंने सोचा कि ताजा हवा खा लूं। बहुत अच्छा सोचा आपने। दरअसल मेरी आदत बचपन से है। जो बचपन तक चल रही है। जी कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। मैं अल्लाह की मखलूक से बहुत प्यार करता हूँ और जानवरों से भी उतना ही। आप बातें बड़ी माकूल करते हैं, लेकिन कोई परिंदा कोई कबूतर दाना खाने आ नहीं रहा। आप आ गए ना, वो भी आ जाएंगे। आ जा भाई, बार बार जा रहे हैं ऊपर से। बहुत आते हैं हम। ओहो, वो देखो आ रहे हैं। वैसे तो आ गई है। आ आ आ आ आ आ जा। खैरियत सुषमा साहब, आज बगैर फूलों के मैं एक आध हार हमारे लिए ले आते यार। अरे तुम्हारे लिए एक नहीं, हार ही हार है। वाह हशमत साहब वाह, क्या जज्बात दिखाए, थोड़ा और जोर से निकालिए। जिब्रान खामोश रहो तुम। जिब्रान बहुत बड़ा कुर्ता। खैर उनसा, क्या तुम मेरी जिंदगी में खैर का सबब बन सकती हो? हशमत साहब, हाथ मांगे खैरात ना मांगे। बस अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी, बहुत नाटक हो गया। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जिंदगी के फैसले खुद करें खैर निशा, इसीलिए तो मैं आज तक खैर को मना करता आया हूँ। तो फिर आप हशमा साहब से लड़े क्यों? पर मैं दरअसल इन्हें चेक कर रहा हूँ। खैर निशा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। हशमा साहब, आपका सीन तो ऑन हो गया, अब हमारे अम्मा अब्बा से भी बात कर लेना। चुप कर, पहले मेरा फैसला तो हो जाए। मुझे हशमत कबूल है। लेकिन अब हमारा क्या होगा? सारे खेल तो हमने ही बनाए, लेकिन किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। खैर निशा का वादा है कि तुम दोनों की शादी भी इसी घर से हो। एक वादा करो, कुछ भी करो करना, लेकिन शायरी नहीं। मेरी शायरी के बारे में कुछ मत बोलो। ये होता है परफेक्ट मैच। अच्छा एक बात बताइए, बेगम साहिबा तैयार है? इन दोनों की तैयारी भी मुकम्मल। ये गम का मारा किसके सहारे जिंदगी गुजारेगा? अरे मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी।